हेलो गाइस, आई एम पुष्पेंद धाकड़, वेलकम टू फ्लाई अकेडमी। इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ स्क्वायर रूट की, वर्गमूल निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। इसमें कोई आपको ना ही मल्टीप्लिकेशन करना है, ना ही आपको कुछ करना है, लेकिन आपको बस थोड़े स्क्वायर पता होना चाहिए। जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी, तो आपको अगर स्क्वायर पता है किसी भी चीज़ के, तो आप उसका आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो एक हम नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 250। क्या नंबर लिया हमने? 250 एक नंबर है। इसका हमसे कहा जाए कि स्क्वायर रूट निकालिए, 250 का स्क्वायर रूट निकालिए 250 का, तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। मतलब जैसे आपका 256 होता तो हम 16 कर लेते, या 100, मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं, डेसिमल में आंसर आने वाला है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो बहुत कुछ भी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकालना होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसमें आपको दो चीजें पता कर लो, इसके बाद का जस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट और इसके पहले का, 250 से पहले या बाद किसके नियर बाय नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है। तो आप देखेंगे 250 है तो आप 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक, और ये आपकी क्लास 6th और 7th क्लास में आप लोगों को ये बताते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, 15 का स्क्वायर कितना है 225, 16 का स्क्वायर कितना है 256, और हमें लाना कितने का स्क्वायर रूट 250 का। तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा ये जो नंबर है 15 से ज्यादा है, 15 के जो स्क्वायर रूट से ज्यादा है और 16 के से कम है, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो आंसर आएगा वो 15 पॉइंट में आएगा। किस में आएगा? 15 पॉइंट में। मतलब इसका जो नंबर का जो आंसर आने वाला है 15 पॉइंट को चाहेगा। अब वो कुछ क्या आएगा उस पे ही ज्यादा हमें फोकस करना है और ध्यान देना है कि भैया वो क्या आ सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, देखो जरूरी नहीं होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप बिल्कुल अप्रोक्सीमेट ही आंसर, बिल्कुल जो कैलकुलेटर में जो आंसर है वही आपको आना चाहिए, देयर इज नो नीड। आपको क्या करना है, आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आना चाहिए, इससे आपका आंसर बिल्कुल करीब करीब अप्रोक्सीमेटली सही आता, गलत नहीं आता। क्योंकि कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में या कहीं भी आपको एक आंसर एक अप्रोक्स में, जैसे आप अगर 10th में भी हैं, 12th में भी हैं, 8th क्लास में भी हैं, तो आपको एक जो आंसर एक आपके जो पीछे आंसर बुक रहती है उसमें लिखा रहता है अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो कैसे आना है वो आप जरा ट्रिक समझिएगा। आप जरा ध्यान से देखिए जो नंबर है वो किसके ज्यादा करीब है, वो 15 के ज्यादा करीब है कि 16 के ज्यादा करीब है। तो जी आप ध्यान से देख रहे होंगे 16 के ज्यादा करीब है। किसके ज्यादा करीब है? 16 के ज्यादा करीब है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन बना करे तो आप देखेंगे सिर्फ छह नंबर का फासला है, 250 और 256 है। तो इस तरह की जब बहुत कम मिनिमम फासला हो, मतलब जब आपका फासला जो हो कम से कम कितना हो, जैसे 1 से लेकर 10 तक के बीच में हो, कितना फासला हो आपको 1 से लेकर 10 तक के बीच में हो, तो आप पॉइंट में हमेशा 8 लिखना है। हमेशा क्या लिखना है आपको? 8 लिखना है। क्या लिखना है? हमेशा 8। ठीक है ना? तो आपका जैसे मेरे हिसाब से आंसर आएगा 15.8। कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, हो सकता है उसका आंसर 15.9 आ रहा हो, या फिर 15.8 या 15.7, मतलब 15.8 या 9 ही आएगा। कभी भी अगर इतना डिफरेंस हो, 1 to 10 का डिफरेंस होता है, जैसे नियर बाय इसके बाजू में, तो आप 8 लगाना है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं इसके, अब ये तो 16 के नियर बाय, तो मैं 15 के नियर बाय कोई नंबर लेता हूँ, जैसे सपोज करो कि लिखा है आपका 230 लिखा है, कितना लिखा हुआ आपका ये 230 का, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। 230 का स्क्वायर रूट निकालने का बहुत सिंपल हो जाएगा, आप देखेंगे ध्यान से 15 और ये 16, ऑब्वियस ही बात है मतलब 15 से ज्यादा और 16 से कम है, तो आपका जो है 15 पॉइंट। आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो कम है वो 5 कम है, कितना कम है इससे? ये 5 कम ही, अगर ये मान लो अगर 2-5 कम होता तो बराबर 15 का बन जाता। तो इस तरह की कंडीशन में 15 पिछले नंबर के नियर बाय, तो जब भी पिछले नंबर के नियर बाय हो, जिसमें हम तो वो आपको 1 to 4 नंबर लिखना होता है, आप 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं, 0.4, अब वो कैसे लिखना वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर जो दूसरे नंबर के नियर बाय हो, जैसे 15 पॉइंट लिखा है लेकिन वो किसके नियर बाय है? 16 के नियर बाय है, तो आपको 5 लिखना है, 6, 7 और 8 और इवन 9 भी आप लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रीवियस नंबर के नियर बाय होता है तो आप 1 से लेकर 4 तक का डिजिट लिखना पड़ता है, और अगर वो आपके आगे वाले नंबर के आगे हो, जैसे आगे वाले नंबर के नियर बाय हो, जैसे कि 16 के नियर बाय था, तो आप 5, 6, 7, 8, 9 ये इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं, आपका आंसर अप्रोक्सीमेट ही आएगा। लेकिन हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेट, तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी डेसिमल के चक्कर में भी आंसर हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप क्या करेंगे,
इसी क्वेश्चन को, जैसे आपने यहाँ पे 15.8 लिखा है, अब आपको जो दूसरा नंबर लिखना है, दूसरा नंबर हमेशा आपको छोटा लिखना होता है। आप 1-4 में कोई सा भी नंबर लिख दो, अगर ज़्यादा ही नियर बाय तो आप 2 लिख दो, 3 लिख दो। तो ये एक आंसर हम एक बिल्कुल एक अप्रॉक्सीमेट बिल्कुल सही मान सकते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो नंबर है ये 15 के नियर बाय है, तो 15 के नियर बाय तो आपको 1 से लेकर 4 तक लिखना है। तो अब आपको वही देखना पड़ेगा कितना नियर बाय है। तो आपने देखा कि भैया ये जो कितना नियर बाय, मात्र 5 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है कम का ही डिफरेंस है, तो कम ही नंबर आएगा। तो आप 1 या 2 लिख दो, तो मैंने 2 लिख दिया, कितना लिख दिया 2, और आपको लग रहा है कि यार ये तो थोड़ा कम है अप्रॉक्सीमेट होगा, तो 1 और लिख दो। तो दिस इज द आंसर, आप देख सकते हैं 230 का आप आंसर लगा के देखिएगा तो आपका अप्रॉक्सीमेट 15.21 ही आएगा, और इसका आंसर 250 का अप्रॉक्सीमेट 15.82 ही आएगा। ये बिना किसी मल्टीप्लीकेशन के, आपको सिर्फ ऐसे सिंपली जल्दी फटाफट सॉल्व करना हो तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम थोड़े 2-3 क्वेश्चन और ले लें। चलिए अब हमने एक दूसरा नंबर ले लिया, एक बड़ा नंबर ले लिया जिसका 545, 544। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो जरा कंसेप्ट को समझिएगा जरा ध्यान से। देखो आपको बता दो, ट्रिक ब्रेक कुछ नहीं होता है, ट्रिक बताने का मतलब तो आपको कहीं ना कहीं पागल बना रहे हैं। ये बेसिकली या तो वैदिक मैथमेटिक्स होता है या फिर आपका ये कोई फॉर्मूला ही होता है जी। और जो आप 6th, 7th, 8th, 9th में 6th, 7th और 8th मोस्टली जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं, जो इस तरह जो आपको ट्रिक बताते हैं ना, ये मल्टीप्लाई की, डिवाइड की, स्क्वायर रूट की, ये सब आपको 6th, 7th और 8th, ये 3 क्लास अगर आपने ढंग से पढ़ ली 6th, 7th और 8th मैथ्स की, तो आपको ना कोई स्क्वायर की जरूरत, ना आपको किसी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये जो जितनी भी ट्रिक बनी है वो सब बेसिक कंसेप्ट से ही बनती है। आपको सिर्फ क्या था फॉर्मूला लिख के नहीं बताते, वो ऐसे ही बोल देंगे इसका स्क्वायर करो, इसका डिवाइड करो, ये प्लस कर दिया। भैया जैसे आपको वो सिंपल बेसिक कंसेप्ट ही होता है, वो फॉर्मूला होता है। चलो अभी हाल फिलहाल इस पर फोकस करते हैं। आपको देखो 545 किसके नियर बाय, आप तुरंत स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो भैया 5 जैसे आपने 20 का 400 होता है, तो 25 का 625, तो आपका 23 का कितना हो जाएगा, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529, और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। तो ये 2 नंबर मेरे को मिल गए हैं। आप ध्यान से देख सकते हैं ये जो नंबर है 545, ये 529, तो अब इस वक्त 23 से ज़्यादा है इसका, और 24 का स्क्वायर कितना है 576 है, मतलब कि 545 से क्या है कम है। तो अब इसी बात हम क्या लिखेंगे, 23 से ज़्यादा होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट, 23 से ज़्यादा होगा, 24 से कम होगा। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, हमारा काम ये होता है कि हमें ये देखना है कि ये नंबर किसके ज़्यादा नियर बाय, 529 के ज़्यादा नियर बाय कि 576 के ज़्यादा नियर बाय। अब इन दोनों में देखेंगे इनका डिफरेंस कितना, जैसे हम 529 और 545 दोनों में कितने का डिफरेंस है, आपका इसमें डिफरेंस 16 का है, और 576 और 545 में कितने का डिफरेंस है, आपके इसमें 1 और 2 इसमें 21 का डिफरेंस है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं तो ये नंबर किसके ज़्यादा नियर बाय है, ये जो नंबर है आपका 545 मतलब जो आपके 529 के ज़्यादा नियर बाय। तो मैंने आपको बताया अगर कोई नंबर प्रीवियस के ज़्यादा नियर बाय होता है तो आपको कौन से नंबर लेने, 1-4 लेना है, मतलब 1-2-3-4 के बीच में नंबर लेना है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं है 16 और यहाँ पे 21 का, मतलब टोटल आप देखा जाए तो आपका जो नंबर आने वाला, अगर सपोज करो 21 के बाद जैसे 21 नंबर आता तो आपको ऑब्वियसली होता 24 में ही बन जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें क्या लेना है, 3 या 4 नंबर लेना है। जब ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं हो तो हमें 3 या 4 लेना है, तो मैं 3 ले लेता हूँ। अब आपने कहा सर फिर भी हमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम लग रहा है, तो आपको सेकंड टाइम में आप 1 या 2 या 3 ले सकते, 1-2-3 ले सकते हैं, तो मैं 2 ले रहा हूँ। तो 23.32 ये आपका अप्रोक्सीमेटली नियर बाय नंबर हो गया आपका ये 545 इसका स्क्वायर रूट। आप कैलसी से करके देख लीजिए यही है। अब आप कहेंगे सर कई बार क्या होता है कि जैसे आपने ये बताया हमें 23 से, सपोज करो इसका मैं एक सपोज करके बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली फिगर नहीं बता रहा, जैसे मान लो इसका 3, 4, 3, 4, 3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो देखो भैया ऐसा कुछ नहीं, आपको पता है अगर हमें इस नंबर को हटाना हो तो ये तो 4 से कम होता है, अगर ये 4 से कम है तो इसको ऐसे ही हटा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ये 4 से देखो ये तो इतना कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता, मतलब डेसिमल का से पहला नंबर जो है, आपको मैं अभी भी बता दूं, आप डेसिमल का जो पहला नंबर है बस वो सही रहे, बस वो अप्रोक्सीमेटली सही रहे आपका, बाकी तो सेकेंड थर्ड फोर्थ नंबर पर कुछ भी हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये वाला जो टॉपिक था वो फिनिश होता है। तो आई होप यू गाइस आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट, प्रॉब्लम या परेशानी होती है इनसे रिलेटेड कोई भी, तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में। और आपको और भी कोई न्यू टॉपिक अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, मैं आपको उस पर नया वीडियो बनाकर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।